वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकेडमी पर जुड़ सकते हैं। और वहां पर मैंने अपनी अनअकेडमी प्रोफाइल पर न्यू वीडियोस बनाई हैं और वहां पर उनको आप फ्री में देख सकते हैं। तो अनअकेडमी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर क्लिक करके हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास SLINEX यानी SLINEX 2018 शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में भारत का श्रीलंका देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास SLINEX 2018 शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज और विमान श्रीलंकाई नौसेना के साथ त्रिमोनाली में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास SLINEX 2018 में भाग लेने के लिए श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इसमें समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच परस्पर विश्वास और अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करने के लिए, क्रिएटिविटी को मजबूत करने के लिए ये जो अभ्यास है वे पहले अर्धवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता था, जो कि इस वर्ष से एक वार्षिक अभ्यास में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कि ये जो सैन्य अभ्यास है इससे पहले हर 6 महीने में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसको 1 वर्ष के अंतराल पर आयोजित करने का फैसला किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर श्रीलंका देश के साथ ये हुआ है समझौता, या फिर ये जो सैन्य अभ्यास है वो श्रीलंका देश के साथ हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक इसकी प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की जो वाणिज्यिक कॉमर्शियल राजधानी है वो है कोलंबो। और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और श्रीलंका की राष्ट्रपति का क्या नाम है? मैत्रीपाला सिरिसेना। तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे ई खरीद प्रणाली का कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे ई खरीद प्रणाली का हाल ही में आपूर्ति नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। तो रेल मंत्रालय और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS और रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में लीवरिंग IT फॉर मोबाइलिटी एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें रेलवे मंत्री और श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्होंने इस अवसर पर भारतीय रेलवे खरीद प्रणाली यानी कि IREPS का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आपूर्ति। आपूर्ति नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप के बारे में आपको बता दूं, ये जो ऐप है वो भारतीय रेलवे की ई निविदा और ई नीलामी से संबंधित गतिविधियों से संबंधित जानकारी और डेटा प्रदान करेगा और ई निविदा गतिविधियों के लिए उपयोगकर्ता द्वारा प्रकाशित निविदाओं, निविदा समाप्ति, खरीद आदेशों के संबंधित इस ऐप पर आपको विवरण मिल सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में पीयूष गोयल ने आपूर्ति नामक एक नया ऐप भारतीय रेलवे ई खरीद प्रणाली का उसके विकास के लिए लॉन्च किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है, उन्होंने निशानेबाजी में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो भारत के सौरभ चौधरी ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए दक्षिण कोरिया की चांगवान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है और 16 वर्षीय निशानेबाज ने फाइनल में एक नए जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ एक प्रभावशाली प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। और इसी स्पर्धा में भारत के ही अर्जुन सिंह चीमा ने 218 के स्कोर के साथ कांस्य पदक भी जीता है, जबकि कोरिया के होजिन लिममेस ने रजत पदक जीता है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात की गई है, तो देखिए स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी ने जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। मैं आपको बता दूं, सौरभ चौधरी को ही एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख रुपए का पुरस्कार और एक सरकारी राजपत्रित पद देने की भी घोषणा की है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के पहले वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
तो इसका जो राइट आंसर है, भारत के पहले वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और 5 विषयों के साथ व्यापक चर्चाओं में विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन को लेकर सबसे अधिक इसमें चर्चा की गई, और नीति आयोग द्वारा हितधारकों की ये 2 दिवसीय इसमें बैठक भी आयोजित की गई। अब इसमें जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें विचार विमर्श के लिए जो 5 व्यापक विषय हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन से विषय हैं? पहला है विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन, दूसरा है सार्वजनिक परिवहन और माल परिवहन और रसद डेटा वैश्लेषण की और गतिशीलता को पुनर्निर्मित करना, इसके 5 व्यापक विषय हैं। और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र भारत के जो शहर हैं उनको प्रदूषण मुक्त बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 15 सितंबर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो यानी कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 15 सितंबर 2018 को लॉन्च किया जाएगा। तो स्वच्छता मिशन यानी कि SBM के 4 साल पूरे होने पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन स्वच्छता ही सेवा 2018 का आयोजन किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और स्वच्छता ही सेवा का जो लक्ष्य है वो स्वच्छ भारत के विजन को समझने के लिए जन आंदोलन को तेज करना इसका लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान का शुभारंभ पूरे देश में 15 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, सरकार ने किस निजी पहल को ट्रस्ट की मान्यता प्रदान कर दी है? तो इसका जो राइट आंसर है, सरकार ने भारत के वीर नामक एक निजी पहल को ट्रस्ट की मान्यता प्रदान कर दी है, तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा प्रचारित एक निजी पहल जिसका नाम है भारत के वीर, उसको एक ट्रस्ट की स्थिति प्रदान कर दी है। और ये जो ट्रस्ट है वो कार्रवाइयों में या फिर बॉर्डर पर मारे गए पैरामिलिट्री कर्मियों के परिवारों की मदद करेगा, और भारत के वीर नामक इस ट्रस्ट में दान किए जाने पर आयकर में छूट भी दी जाएगी। और अक्षय कुमार और पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद को इसका ट्रस्टी बनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में सरकार ने अक्षय कुमार की एक निजी पहल भारत के वीर इसको ट्रस्ट की मान्यता प्रदान कर दी, आप कोई भी इसमें दान कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड बना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, तो देखिए HDFC बैंक लगातार 5वें साल देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा है और ब्रांड इंडिया टॉप 50 में टॉप पर रहा है, यानी कि जो ब्रांड इंडिया टॉप 50 की रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर रहा है। तो 2018 में HDFC बैंक का जो ब्रांड मूल्य है वो 21% बढ़कर $21.7 अरब का हो गया है। और इस सूची में टाटा कंसल्टेंसी जो लिमिटेड है TCS, ये तीसरे स्थान पर है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC ये बिजनेस प्लान होते हुए दूसरे स्थान पर है। तो ये आप ध्यान रखें कि HDFC बैंक इसमें पहले स्थान पर है, LIC इसमें दूसरे स्थान पर है, और TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये आपका तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर HDFC बैंक की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी, और HDFC बैंक का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। तो ये आपको 7वें क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में अंशुला कांत को SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। तो अंशुला कांत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, और इस पद के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा उनके ही नाम की सिफारिश की गई थी। और मैं आपको बता दूं, बी श्रीराम के इस्तीफे के बाद SBI में MD का पद खाली हो गया था, यानी कि प्रबंध निदेशक का पद खाली हो गया था, जिन्होंने यानी कि बी श्रीराम ने IDBI बैंक की MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, तो उनके स्थान पर अब अंशुला कांत SBI की नई प्रबंध निदेशक बन गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर SBI की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में सन 1921 में सबसे पहले किया गया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नामकरण वर्तमान में है वो 1 जुलाई 1955 को स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसका गठन किया गया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। तो आपको आठवें क्वेश्चन से इतने फैक्ट पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, महात्मा गांधी पर हाल ही में कौन सी नई पुस्तक लॉन्च की गई। तो इसका जो राइट आंसर है, महात्मा गांधी पर एक नई पुस्तक नई तालीम ये लॉन्च की गई, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए, महात्मा गांधी पर आधारित नई तालीम जो कि बेसिक एजुकेशन की पुस्तक है, इसको HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में लॉन्च किया है, और ये पुस्तक अवनवजन्य शिक्षा पर आधारित है, और इसमें स्कूलों के लिए कार्य और शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ गांधी जी की नई तालीम की बुनियादी सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं, और इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के परामर्श से 13 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, और उनका जन्म पोरबंदर जो कि काठियावाड़ के पास गुजरात में है वहाँ पर हुआ था, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, और उनका निधन यानी कि गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है जो कि दिल्ली में है, और उनके 4 पुत्रों के नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो आपको 9वें क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में जारी नई रैंकिंग में परमाणु सामग्री वाले देशों की थेफ्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर है 19वें स्थान पर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक भारत हथियारों की चोरी उपयोग करने योग्य परमाणु सामग्री वाले देशों की थेफ्ट रैंकिंग में 19वें स्थान पर है, और ये जो इंडेक्स है वो अमेरिका में स्थित न्यूक्लियर स्रेट इनिशिएटिव NTI द्वारा जारी किया गया था, जिसकी सह अध्यक्ष सैम नून और अर्नेस्ट मोनी है, और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड 22 देशों में हथियारों की चोरी उपयोग करने योग्य परमाणु सामग्री के मामले में शीर्ष स्थान पर दोनों को देश को रखा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, रेप से पीड़ित महिला को मुआवजा देने की योजना को हाल ही में किसने मंजूरी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को 4 लाख रुपए और गैंग रेप पीड़िता को 5 लाख रुपए की अनिवार्य न्यूनतम मुआवजा मिलने की योजना को मंजूरी प्रदान की है, और इसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार 2 अक्टूबर 2018 से लागू किया जाएगा। वर्तमान में रेप पीड़िता को ओडिशा राज्य में 10,000 रुपए और गोवा में 10 लाख रुपए तक के अलग अलग मुआवजे दिए जाते हैं, लेकिन अब ये जो नियम है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसा फैसला दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत हाल ही में किस स्थान पर हुई। तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में शिकागो में विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 7 सितंबर 2018 को शिकागो जो कि अमेरिका का शहर है वहां पर शुरू हुई है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि सन 1893 में विश्व धर्म की संसद में भारत के स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये आयोजित की गई है, यानी कि विश्व हिंदू कांग्रेस उनके 125वें वर्षगांठ दिवस मनाने के लिए आयोजित की गई है। और विश्व हिंदू कांग्रेस 2018 का विषय क्या है, इसका विषय है सामूहिक रूप से सोचो और बहादुरी से प्राप्त करो, ये विषय रखा गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सांसद तुलसी गब्बार्ड ने की है, और ये 4 साल में 1 बार विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, और 7 सितंबर से 9 सितंबर तक आयोजित होने वाले विश्व हिंदू कांग्रेस में 80 देशों से 2500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो देखिए, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी बने हैं। और आज की क्विज का सवाल है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका जो भी राइट आंसर हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं
तो फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर फेसबुक पेज की लिंक पर क्लिक करके आप हमारी फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भारतीय इतिहास की पार्ट 24 24वीं वीडियो जिसमें सिख मत यानी सिख धर्म के बारे में डिस्कशन किया गया है उसको नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये वीडियो, तो इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।